डीजल में पूरे देश भर में दामों में बढ़ोतरी के बाद आज सीवान के राजद कार्यकर्ता सड़क पर उतर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन करने के लिए। आप देख सकते हैं हमारे कैमरे के सामने नरेंद्र मोदी का पुतला लेकर राजद के कार्यकर्ता, जिसमें पूर्व मंत्री औद बिहारी चौधरी, तमाम राजद जिलाध्यक्ष परमात्मा राम सहित राजद के तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं यहां पर, जो कि जेपी चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाएंगे। बताते चले कि इधर पूरे देश भर में जिस तरह से अचानक तेल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, उसी को लेकर राजद के जो लोग हैं वो सड़क पे उतर चुके हैं और पुतला दहन करने का कार्यक्रम करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे औद बिहारी चौधरी, जो पूर्व मंत्री हैं राजद के, इंद्रदेव प्रसाद सहित सीवान के राजद के जिलाध्यक्ष परमात्मा राम सहित तमाम राजद के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जो अभी पुतला दहन करेंगे। मोदी का पुतला दहन होगा सीवान के जेपी चौक पे। तेल के दामों में भारी बढ़ोतरी को लेकर के राजद के द्वारा किया जाएगा। लोगों में भी काफी गुस्सा है इस बात को लेकर कि नरेंद्र मोदी की सरकार इस तरह से अचानक दामों में, जो तेल के दामों में बढ़ोतरी कर रही है। आप देख सकते हैं एटीएल लाइव पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीवान के जेपी चौक से लाइव आपको दिखा रहे हैं एटीएल लाइव, किस तरह से राजद के जो पूर्व मंत्री हैं औद बिहारी चौधरी और इंद्रदेव प्रसाद, राजद जिलाध्यक्ष परमात्मा राम, ये तमाम लोग यहाँ पर सड़क पे आकर के और नरेंद्र मोदी का पुतला जला रहे हैं। आपको लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सीवान के जेपी चौक से। नरेंद्र मोदी और जो प्रधानमंत्री और पूरे देश की जो सरकार है उसके खिलाफ ये लोग नारे भी लगा रहे हैं। जो अचानक डीजल और पेट्रोल की महंगाई बढ़ने लगी है, उस पर रोक लगाने को लेकर के यह पुतला दहन का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जो कि सीवान के व्हाइट हाउस से निकाला गया और जेपी चौक पर पहुंचकर अब ये पुतला दहन करने का काम करेंगे। तमाम राजद के नेता सहित कार्यकर्तागण मौजूद हैं। अब देखिए कि पुतला दहन कार्यक्रम का शुरुआत किया जाएगा और उन्हें नरेंद्र मोदी का जो पुतला है उसे जलाने का काम किया जा रहा है राजद के जिलाध्यक्ष परमात्मा राम के द्वारा। कहीं ना कहीं महंगाई पर रोक लगाने को लेकर के पुतला दहन किया जा रहा है और इस पूरे मामले पर जो पूर्व मंत्री हैं औद बिहारी चौधरी या फिर कई और लोग हैं राजद के नेता, इन सभी लोगों से बातचीत होगी कि क्या कुछ पुतला दहन करने से क्या महंगाई पे रोक लगेगी, क्या जनता में जो आक्रोश देखा जा रहा है महंगाई को लेकर उससे महंगाई पे रोक लगेगी, तेल और जो पेट्रोल है और जो डीजल है उसके जो दाम है उसमें कमी आएगी। खैर यह तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल राजद के लोग सड़क पे उतर चुके हैं पुतला दहन करने के लिए सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ नरेंद्र मोदी का पुतला लेकर। सीवान के जेपी चौक से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एटीएन लाइव के माध्यम से। अब देखिए कि किस तरह से यहाँ पे पुतला जलाया जा रहा है राजद के कार्यकर्ताओं के द्वारा। नरेंद्र मोदी हाय है, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। अपने कैमरामैन से कहेंगे कि उस पूरे नजारे को दिखाएं, किस तरह से यहां पर देख सकते हैं राजद के वो तमाम लोग यहां पर पहुंचकर नरेंद्र मोदी का पुतला जला रहे हैं और उनके विरोध में जमकर नारे भी लगा रहे हैं। हमारी बातचीत भी होगी कुछ जो राजद के पूर्व मंत्री हैं औद बिहारी चौधरी, इंद्रदेव पटेल सहित कई लोगों से बातचीत होगी कि क्या पुतला जलाने से तेल के जो दाम है उसमें क्या कमी आएगी। आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सीवान के जेपी चौक से, सिर्फ और सिर्फ एटीएन लाइव पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें कि राजद के लोगों के द्वारा, राजद कार्यकर्ताओं के द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया जा रहा है। तेल में हुई भारी बढ़ोतरी के बाद इस तरह राजद द्वारा कदम उठाया गया है, लोगों में भी काफी गुस्सा देखा जा रहा है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि आए और जो राजद के लोग हैं उनसे हमारी बातचीत होगी। औद बिहारी चौधरी हैं,
और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत होगी। सर क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ पे अभी आप लोगों द्वारा नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया गया, क्यों और किस लिए? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और इनके नेतृत्व में देश में सरकार चल रही है। आए दिन डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने से हर सामान महंगा हो रहा है और बाजार में हाहाकार मचा हुआ है। महंगाई से लोग त्रस्त हैं और ये विदेश के सैर कर रहे हैं। हम लोगों ने और पार्टी के नेतृत्व ने बिहार प्रदेश के निर्णय लिया है कि महंगाई पर अगर रोक नहीं लगता, डीजल और पेट्रोल के दाम अगर कम नहीं होते, किसानों के हित में काम नहीं होता, छात्रों के बेरोजगारी दूर नहीं होती, अमन चैन शांति कायम नहीं होता, तो पूरा राष्ट्रीय जनता दल राष्ट्रव्यापी राज्यव्यापी आंदोलन केंद्र सरकार के खिलाफ करेगी, नीतीश के खिलाफ करेगी। और हम लोग आज प्रदेश के आदेशानुसार नरेंद्र मोदी और उनके सरकार के पुतला दहन का काम किए हैं और हम लोग पुनः कहते हैं कि नरेंद्र मोदी होशियार हो जाओ, अगर इस तरह के गलत कारनामे पर आप रोक नहीं लगाते हैं तो देश में जबरदस्त आंदोलन होने वाला है और 2019 के चुनाव में आपके खटिया खड़ा होने वाली है और देश में यूपीए की सरकार बनेगी। इसलिए महंगाई पर रोक लगाओ और नरेंद्र मोदी होश में आओ, यही बात लेकर के हम लोग आज जेपी चौक पर राष्ट्रीय जनता दल के सभी नेता सभी कार्यकर्ता जो चारों तरफ से आए हैं नरेंद्र मोदी के पुतला दहन करके महंगाई और डीजल पेट्रोल के विरोध में हम लोग एकत्रित होने का काम किए। हमारे साथ मौजूद हैं इंद्रदेव पटेल जी भी जो पूर्व मंत्री हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? प्रसाद जी क्या? आज केवल यही कहना, हमारे माननीय मंत्री जी ने बताया आपको, नरेंद्र मोदी के 4 साल पूरा होते होते प्रति लीटर 25 रुपया दाम बढ़ गया है और डीजल के दाम बढ़ने से कोई भी समाज का व्यक्ति नहीं है जो प्रभावित नहीं होता है। एक मजदूर से लेकर एक बड़े आदमी तक सारे लोग डीजल के महंगाई से प्रभावित हो जाते हैं। हम आज यही करना चाहते हैं आरजेडी के बैनर तले प्रदेश के आदेशानुसार कि डीजल और पेट्रोल का जो दाम बहुत आसमान छू रहा है उसको नरेंद्र मोदी जी तुरंत कम करें, अन्यथा हम देशव्यापी आंदोलन शुरू करें। राजद के जिला अध्यक्ष परमात्मा राम भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे कि आखिर क्या कारण है कि आए दिन देखा जा रहा है कि लगातार तेल के दामों में वृद्धि हो रही है, लोगों में भी आक्रोश देखा जा रहा है। केंद्र सरकार बिल्कुल विफल है और प्रधानमंत्री को इस देश की चिंता नहीं है, यही कारण है कि कच्चे तेल के दामों में कमी होने के बावजूद भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस देश में डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। इसका मूल कारण है कि सभी वस्तुओं पर GST से जोड़ा गया है, लेकिन डीजल पेट्रोल को GST से नहीं जोड़ा गया है। अगर GST से जोड़ा जाता तो देश में समान रूप से एक समान इसका दाम रहता और कंट्रोलिंग रहता। अगर GST लागू हुआ है तो इसको भी GST से जोड़ने की हम मांग करते हैं और डीजल पेट्रोल की बढ़ती बेतहाशा महंगाई पर रोक लगाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल मांग करता है और इसके विरोध में हम लोग आज पुतला दहन का कार्यक्रम किए हैं और आगे भी अनवरत जो है आंदोलन चलता रहेगा इस सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ। आप क्या कहना चाहेंगे जो पुतला दहन किया गया? मैं कहना चाहता हूं कि यही नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में चुनाव लड़ रहे थे तो वादा किए थे कि हमारी सरकार बनेगी तो 35 से 40 रुपये पेट्रोल और डीजल बिकवाएंगे और हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। हम पूछना चाहते हैं आपका वादा कहाँ गया? कहाँ गया रामराज? अगर आप रामराज है तो यही रामराज है कि आपके राज में 85 रुपए पेट्रोल का दाम हो गया है, कुछ ही दिनों में सुनने में आ रहा है कि 100 रुपए बिकने जाएगा। कहाँ गया आपका रामराज? इसी के साथ हम अपने बारे में शाम देते हैं। हमारे साथ अजय चौहान यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत होगी, बहुत अच्छे तर्क देंगे ये, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपको धन्यवाद ज्ञापित करेंगे और साथ ही साथ बताना हम लोग ये चाहते हैं, आपने कहा था कि कांग्रेस ने जो 7 साल में नहीं किया वो हम 5 साल में करेंगे, यही 5 साल का तो रिजल्ट है। देश में हाहाकार मचा हुआ है, लोग परेशान हैं। कांग्रेस के टाइम में 130 रुपये बैरल था, उस समय भी 70-80 रुपये लीटर पेट्रोल डीजल नहीं था।
लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका रेट कम है, बावजूद देश में आग लगा हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री को हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि यही उनकी सरकार है, यही उनका व्यवस्था है। आम जनमानस त्रस्त है और मोदी जी सत्ता में पस्त हैं। उनको आने वाले 2019 में देश की जनता उन्हें सबक सिखाएगी और गद्दी से नीचे उतारेगी। उसी के खिलाफ में आज हम लोग ये पुतला दहन का कार्यक्रम किया। अजय हरेंद्र जी, आप क्या कहेंगे, जिस तरह से पुतला दहन किया जा रहा है, क्या आपको लग रहा है कि पुतला दहन करने से तेल के दामों में कमी आ जाएगी? देखिए, लोकतंत्र में पुतला दहन एक लोकतांत्रिक तरीका है, विरोध करने का तरीका है। इसीलिए आज राष्ट्रीय जनता दल सिवान की इकाई ने यह पुतला दहन करके यह विरोध जताया है कि नरेंद्र मोदी के सरकार में जो उन्होंने वादा किया था उससे विपरीत पेट्रोल डीजल के दाम मांगे हुए हैं, जिससे सारी वस्तुएं की चीजें का मूल्य बढ़ गया है, जिससे आम जनता त्रस्त है। हम लोग इस पुतला दहन के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि इस महंगाई पर कंट्रोल किया जाए, नहीं तो हम आने वाले समय में हम लोग चक्का जाम करेंगे और पूरे देश स्तर पर आंदोलन करेंगे। आज हम लोग पुतला दहन किए हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। देश में इतना महंगाई चरम सीमा पर है कि सारे लोग, पूरे हिंदुस्तान के लोग तराई तराई किया हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री बोले थे जब हम प्रधानमंत्री बनेंगे देश में महंगाई कम करेंगे और हर आदमी की जरूरत का सामान उचित मूल्य पर मिलेगा, लेकिन आज ऐसा स्थिति आ गया है कि हर सामान अपने चरम सीमा पर मैंने महंगाई बढ़ी हुई है। क्या लग रहा है पुतला दहन करने से महंगाई तेल में के दामों में? अगर हम लोग इस पर, अगर प्रधानमंत्री जी के पास संदेश हम लोग पहुँचा रहे हैं, अगर इस पर अमल नहीं करते हैं तो हम लोग चक्का जाम करेंगे। परवेज आलम, सिवान सदर अध्यक्ष।